हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस चैनल पर पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए लगातार टेस्ट पेपर अपलोड हो रहे हैं और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह या एनसीईआरटी बेस्ड टॉप इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं सभी क्वेश्चंस। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो जो विटामिन्स का निर्माण है यह हमारे शरीर में नहीं होता है, बल्कि इन्हें हमें सप्लीमेंट्री फूड के तौर पर बाहर से लेना पड़ता है, जबकि प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन्स का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है, तो कौन सा पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयन होता है, जबकि H2O का प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं, तो केले में बीज क्यों नहीं बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, क्योंकि केले में पुकेंसर नहीं होता है। आपको बता दूं कि जो पुकेंसर होता है यह पौधों में नर जननांग होता है, इसे स्टेम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, तो इन्हें हम स्तंभ मूल कहते हैं, स्टेम रूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा उत्पादन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया संभव हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होते हैं, क्योंकि उनके मुख से उत्पन्न होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनिक किरणें। अल्ट्रासोनिक किरणें यह पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। आपको बता दूं कि ध्वनियाँ तीन प्रकार की होती हैं, अपश्रव्य ध्वनियाँ, श्रव्य ध्वनियाँ और पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो जो अपश्रव्य ध्वनियाँ रहती हैं इनकी जो आवृत्ति रहती है यह 20 डेसिबल से कम होती है, कितनी, 20 डेसिबल से कम होती है, और जो श्रव्य ध्वनियाँ रहती हैं इनकी जो आवृत्ति रहती है यह 20 से 20,000 डेसिबल होती है, और जो पराश्रव्य ध्वनियाँ रहती हैं इनकी जो आवृत्ति रहती है 20,000 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है, क्योंकि इनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं, तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहते हैं, क्या, हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, मधुमक्खियों की प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एपिकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कीटों को अभिलक्षित किया जाता है, तो कीटों को अभिलक्षित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकिडना। एकिडना है यह एक प्रकार का मैमल्स एवं स्तनधारी वर्ग में आने वाला प्राणी है, लेकिन यह बच्चे के स्थान पर अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो ईस्ट होता है, यह एक प्रकार का कवक होता है, और इसका जो उपयोग है यह एल्कोहल या शराब के निर्माण के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन है यह H2O से मिलती है, किससे, H2O से मिलती है। आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 प्लस H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और H2O से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, इन्हें हम पेनिसिलियम कहते हैं, क्या, पेनिसिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो जो पौधे की कोशिका भित्ति है यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जो जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है वह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, जबकि पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करती है, तो यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H2 यह एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला होता है, और इसका जो प्रयोग है
हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट किस प्रकार से सांस लेते हैं, तो जिस प्रकार से मनुष्यों में लंग्स या फेफड़े पाए जाते हैं उसी प्रकार से अधिकांश कीटों में ट्रैकिया सिस्टम द्वारा इनमें श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, क्योंकि जब टमाटर कच्चा होता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और जैसे ही टमाटर पकने लगता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हरे शैवालों में, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। कौन? हरे शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं में क्या होता है, तो विषाणुओं में क्या होता है, तो विषाणुओं में डीएनए या आरएनए हो सकता है। क्या? डीएनए या आरएनए इसमें विषाणुओं में हो सकता है। आपको बता दूं कि जो विषाणु रहते हैं ये सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, और इनमें अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए या फिर आरएनए होता है, और इनका जो बाह्य आवरण होता है विषाणुओं का यह प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रसिद्ध डॉली भीड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी, तो जो प्रसिद्ध डॉली भीड़ है इसका जो निर्माण है क्लोनिंग प्रक्रिया के दौरान किया गया था, और क्लोनिंग प्रक्रिया में किसी जीव का हूबहू दूसरा प्रतिरूप इसमें तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, तो कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम, इसलिए ही राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है गुर्दे का, इसे हम ब्रक या किडनी भी कहते हैं, और इसकी इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो यहाँ पे कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनका रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है थायमिन है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन है, यही बिल्कुल सही है। लेकिन जो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड है, या नियासिन भी कहते हैं इसे। क्या? निकोटिनामाइड या नियासिन। और विटामिन जो बी फाइव का रासायनिक नाम है इसे पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं, तो इसके दोनों ही ऑप्शन एक गलत हैं, विटामिन बी थ्री और विटामिन बी फाइव। और विटामिन बी सिक्स को क्या कहते हैं, विटामिन बी सिक्स को पीरिडॉक्सिन कहते हैं, ना कि विटामिन बी फाइव को। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कार्बिक है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेफेंथीस या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है, तो यह मेघालय में पाया जाता है, और है ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और यह एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और यह कोशिका भित्ति सेल्युलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है, तो मछली में बहु असंतृप्त फैटी एसिड या बहु असंतृप्त वसा अम्लेश में पाया जाता है, इसलिए अन्य पशुओं की तुलना में मछली का मांस अधिक स्वास्थ्यकर मांस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है WBC, क्योंकि WBC होती हैं, इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इनका जो निर्माण है बोन मैरो में होता है, कहाँ पर इनका जो निर्माण है बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है, और इनका जो जीवन काल है 3 से 4 दिन होता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जबकि RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और WBC को शरीर का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि यह रोगाणुओं के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से क्या मानव गुर्दे या मानव किडनी का सामान्य कार्य नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना यह बिल्कुल सही है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना यह गलत है, क्योंकि इंसुलिन है जो यह रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। यूरिया को छान कर बाहर निकालना यह भी बिल्कुल सही है, और कई हार्मोनों का श्रावण करना तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एलगी मुख्यतः जैव उपचार या बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां हैं या जबड़े में पाई जाती हैं, कहाँ पर, जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी निम्न में से क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी का यह रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या CO2 छोड़ते हैं, इसलिए रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों की द्विनाम पद्धति
कि दो घटक कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता दूं कि जो द्विनाम पद्धति होती है इसे बायनोम क्लेचर भी कहते हैं, और इसका जो प्रतिपादन है कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। और इसमें दो घटक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो पहले घटक का नाम है वंश नाम और दूसरा जाति का नाम। आपको बता दूं कि जो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस, तो उसमें होमो वंश का नाम होता है और सेपियंस जाति का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव के बाल एवं नाखून में निम्न में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, तो इनमें केराटिन प्रोटीन विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो अलसी में क्या पाया जाता है, तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। किसमें? अलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी डायटम का। आपको बता दूं कि जो डायटम है यह एक प्रकार का शैवाल होता है जो डूबने के दौरान पानी के साथ फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं, और पोस्टमार्टम में इसी की उपस्थिति के कारण ही डूबने से मृत्यु की पुष्टि की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी डायटम, और एक प्रकार का शैवाल होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम है, यह एक जैव कीटनाशक पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी निकल का उपयोग किया जाता है इसमें उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी डीएनए। इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें चार प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, कौन कौन से? एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा आहार मानव में सभी ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पनीर, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन ही नए ऊतकों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। क्या? फॉस्फोरस। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।